खबर मकराना से। आज हम मकराना के उस शख्स से आपसे परिचय कराने जा रहे हैं जो पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए समर्पित होने के साथ साथ अपने बागवानी जुनून को मानव सेवा के साथ युवा रोजगार के लिए नई राह दिखाए। इस शख्स का नाम सैफ अली है जो बीएससी स्नातक है और निजी शिक्षण संस्थान में अध्यापक है। पेड़ पौधों से इनका आत्मिक लगाव है और बागवानी का शौक रखते हैं। सैफ अली कहते हैं, जब मैं बगीचे में होता हूं तो ऐसा लगता है कि पौधे मुझसे बातें करते हैं। बहुत ही शांत वातावरण में बड़ा सुकून मिलता है। इन्होंने अपने बागवानी के शौक को जिंदा रखा और व्यावसायिक नर्सरी में बदल दिया। सैफ अली देश के हर कोने से पौधे अपने घर लाते हैं और उनको अपने घर में लाकर गमलों में उगाते हैं। उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी और जहां जहां से हो सकता है नॉलेज ली है। वो कभी तो 3 महीना पुराना साला बला के दे हां जी अगन आज ये मां पत्र नीर मां बेटा इसमें हम खड़े हैं सैफ अली जी के पास में जो पौधों से प्राण प्रेमी है और उन्होंने पेड़ पौधों को एक नया नस्ल रूप में अंजाम दिया। क्या कहना चाहेंगे आप और किस तरह के क्या पौधे आपने ग्राफ्ट तैयार किए आप बताइए जनता को। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अली है। मैंने बीएससी कर रखी है और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ स्कूल में, इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको, मुझे पौधों से बहुत प्यार है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो पौधे मुझसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, यह है अंजीर का पौधा। आपने मार्केट से अंजीर खरीदी होगी। अगर आप अंजीर मार्केट से खरीदते हो कम से कम 1000 रुपये किलो आती है, 700 रुपये 1000 रुपये किलो आती है। उसके बाद ये दूसरा पौधा है शहतूत का, जो अपनी यहाँ की मिट्टी आराम से मानेगी इसको। उसके बाद तीसरा पौधा मैं बता दूँ आपको, पपीता, जिसको सब चाव से खाते हैं और बहुत सारी जगह, जैसे आपका अभी डेंगू बीमारी चल रही है उसके अंदर भी शानदार तरीके से काम आता है। प्लेटलेट्स बढ़ाने में ये काम आता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, यह है गुलाब का पौधा। गुलाब को सब पसंद करती है, इसको, इस गुलाब को सब पसंद करते हैं, लेकिन इसको अम्लता भूमि पर, यानी अम्लता चाहिए, एसिडिटी भूमि चाहिए, एसिड वाली। इसके बाद मैं आपको और बता, आगे चलता चलूँ, ये भी फिर मैं आपके पास अंजीर ला रहा हूँ। छोटा पौधा है लेकिन इस पर देखो फल आ रहा है, फूल आ रहा है, फल आ रहा है, अंजीर लग रहे हो आपकी दिखाई दे रहे हैं। और बाकी ये आपको देख ही रहे हो जो मेरा पौधे से कितना प्रेम है। और मेरे पास पौधे आपके पास, मेरे पास और जमीन नहीं, और आ गया हूँ मैं आपको और बताता हूँ। ये एक पौधा है पत्थर चटा, इसको एक आयुर्वेदिक पौधा बोला जाता है। इसका यूज पथरी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको एक पत्ता सुबह एक पत्ता शाम को रोजाना खिलाने से इंशाल्लाह उनकी पथरी बाहर आ जाएगी जल्दी। उसके बाद मैं आपको एक और पौधा, जिसको हमारे हिंदू धर्म में इसको पूजा भी जाता है, इसको आपसे मैं रूबरू करा दूँ, तुलसी। इसका नाम है तुलसी। इससे आप सब अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। ये भी पौधा, ये मेरे पास भी 2 लगा रखे हैं। बहुत सारे बोलते हैं हमारे पास तुलसी का नहीं चलता है, मैं बोलता हूँ ये चलेगा, इसके साथ एक छोटा पौधा और लगाओ, अच्छा फिर और अच्छा चलेगा। इसकी खास बात, ये अकेला नहीं रहता, कोई सा पौधा लगा दे इसके साथ में चलेगा। और उसके बाद आप ये देख ही सकते हो, पपीते पे जोर ज्यादा आपका। पपीते बहुत ज्यादा लगा रखे हैं। इसकी क्या कुछ आगे मिशन था कि भाई पपीते को सुरक्षित रखने के लिए, पौधे को जैसे कोई कीटनाशक के लिए क्या सबसे बेस्ट? अगर ऑर्गेनिक कीटनाशक चाहिए तो आपको छाछ लो, खट्टी सड़ी हुई छाछ, उसके अंदर कॉपर का तार मिला दो। कॉपर का तार मिलाने से क्या होगा, कॉपर निकल कर उसका कॉपर सल्फेट बना लेता है। ये कॉपर सल्फेट एक फंगिसाइड के रूप में काम करता है और जिससे क्या होता है, पपीते के पौधे में फंगस वाला रोग नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा दुश्मन इस पपीते का फंगस ही होती है, इससे आपको अच्छी सुरक्षा मिलेगी। बाकी नॉर्मली जो जितने पौधे पर लगाते हैं उसके लिए क्या वैकल्पिक उपाय है जिससे कीटों से बचाया जा सके? वैकल्पिक उपाय, अगर आप इस कॉपर का यानी छाछ का आप केमिकल यूज करोगे तो ओनली फॉल पौधे के अंदर पहले तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसके बाद भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगती है। मैं आपको शुद्ध ऑर्गेनिक खाद के बारे में जानकारी देता हूँ। ये होती है हमारे घर से निकला हुआ वेस्टेज कचरा, इसको हम बोलते हैं मिंगनी, लकड़ी की मिंगनी होती है। इसको 6 महीने अगर आप लगातार इस ऐसी मटकी ले लो पुरानी, उसको जमीन में डाल दो। जमीन में डालने के बाद उसको लगातार कंटिन्यू आपको ऐसे करते रहना है, उसको लगातार पानी डालते रहो, हिलाते रहो, और थोड़ा सा गुड़ को अंदर घोल लो। गुड़ को घोल के मान लो 2 डली गुड़ की ले लो, एक मटके में डाल दो और उसके अंदर डाल दो। गुड़ क्या करता है, थोड़े बैक्टीरिया को ज़्यादा बढ़ाएगा और ये जल्दी सड़ेगी और जल्दी तैयार हो जाएगी। ये एक शुद्ध ऑर्गेनिक खाद है जो पौधे के लिए भी नुकसानदेह नहीं है
और जमीन के लिए भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बेस्ट चीज़ है हमें शुद्ध और ऑर्गेनिक अपनाना है, देसी चीज़ अपनानी है, केमिकलों से बचना है। बस यही मैं आपको एक अच्छा संदेश देना चाहता हूँ। शुक्रिया।